हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्वेलरी शूट आप कैसे करें। पहला आइटम आपके पास ये हो गया रिंग। मसलिन क्लोथ आप ले सकते हैं और वो इसको एडजस्ट करेंगे। इसमें कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो पहली चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ हमारी मसलिन क्लोथ हो गया, और तीसरी चीज़ हमारी एक स्केल ले लीजिए आप, जिससे आप पर्टिकुलर जो है ज्वेलरी का डिज़ाइन आप मेज़रमेंट बता सके। लेकिन मेरा ये स्केल पैकिंग में यूज़ होता है, तो इसमें यहाँ पर नंबर आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने ये इंच टेप लिया है, जिससे आप इजीली कस्टमर को बता सकते हैं कि ज्वेलरी का साइज़ क्या है। और इसको आप यहां से इसको टाइट कर देंगे थोड़ा सा, जिससे आपका ये जो फैब्रिक है वो प्रॉपर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से आप देख लीजिए, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, और हम इसको इजीली यहां पे रख सकते हैं किसी भी वॉल पे। और वॉल पे रखने के बाद इसको हम यहां पे टेप से भी पेस्ट कर सकते हैं, और वो भी नहीं करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने यहीं पे इसको ऐसे कर दिया। अब ये ज्वेलरी हमारी इस साइज़ की है, तो कस्टमर को अंदाज़ा ही नहीं आता है कि प्रोडक्ट कितना बड़ा है। इसकी वजह से काफ़ी रिटर्न भी आता है, तो कॉन्फ्रेंस में भी मुझसे पूछा गया था कि ज्वेलरी का कैसे शूट करें, और छोटा सा प्रोडक्ट होता है, कस्टमर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कस्टमर को कि क्या साइज़ मंगाया था। और रिटर्न जो होता है उनका इसी बेस पर होता है कि साइज़ डिफरेंट मिला उन्हें। हर रिंग में पीछे इस तरीके के पिन होते हैं एयर रिंग में, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। ये प्रोडक्ट देखिए, पूरा रिंग जो है मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, और इसको मैं टाइमर यहाँ से लगा देता हूँ। 3 सेकंड का मैंने चूज़ करा, और मैं इसको अब क्लिक करता हूँ रेडी 2 3। तो देखिए मेरी इमेज यहाँ पे क्लिक हो चुकी है, वो ये है। तो देखिए ये आपको इमेज दिख रही होगी, मैंने जूम करके दिखाया है कि इस तरीके की मेरी इमेज क्लिक हुई है। तो देखिए ये मुझे पता है कि मेरी ज्वेलरी कितनी बड़ी है, क्या साइज़ है उसका, लेकिन कस्टमर को नहीं पता है। तो उसके लिए देखिए मैंने पहले बताया था, या तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए जिसमें आप बता सके कस्टमर को, और एक इमेज हम रेफरेंस लेंगे, अपना इंच टेप उसके पास क्लिक करेंगे, किस तरीके से वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक मैंने अपने स्केल के साथ प्रोडक्ट की इमेज ले ली है, अब वो मैं इमेज दिखाता हूँ आपको किस तरीके की आ रही है। ये देखिए ये इमेज है प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरीके से आप ज्वेलरी शूट कर सकते हैं, और मैं सोचता हूँ इसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको शूट करने में।